नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, और साथ में बात करेंगे कि देश के लिए सबसे जरूरी क्या है, एनवायरनमेंट या नेशनल सिक्योरिटी। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के चलते लगभग 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में किया था। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन के समय कहा था कि ये प्रोजेक्ट उन सभी लोगों को समर्पित ट्रिब्यूट है जिन्होंने 2013 के केदारनाथ डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 132 ब्रिजेस, 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिजेस, 2 टनल, 145 बस बेस, 9 ट्रक बेस, 18 रोड एमिनिटीज, हेलीपैड्स और 13 बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिससे सिटीज के बीच ट्रैफिक जमा ना हो। लैंडस्लाइड से बचने के लिए स्टील नेट्स, सेल नीलिंग, गैबियन वॉल भी बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 2019 तक कम्प्लीट हो जाना था, पर अभी तक 900 किलोमीटर में से लगभग 530 किलोमीटर का काम हुआ है। ये प्रोजेक्ट अपनी टाइम से बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, भारत में तो प्रोजेक्ट्स डिले होते ही रहते हैं। तो देखो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत को बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को होगा। उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा जिससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में जाने में काफ़ी आसानी होगी जहाँ अभी जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौथा फायदा, चारधाम प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद रोड एक्सीडेंट कम हो जाएंगे जो अभी काफ़ी होते हैं। पाँचवा, इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट हो जाने के बाद भारत की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। इंडियन आर्मी उत्तराखंड से चाइना की हर गतिविधि पर नज़र रख पाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत सही है, इसे अपने टाइम पे बनना चाहिए था, पर ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है। तो आइए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। चार धाम प्रोजेक्ट जब 2016 में शुरू हुआ था तब ये टूरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट था, पर फिर 2017 में भारत और चीन के बीच कई सालों बाद डोकलाम में झड़प हुई, जिसके बाद भारत सरकार को एहसास हुआ कि चार धाम प्रोजेक्ट को डिफेंस पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ सब चाइना के बॉर्डर के पास हैं। तो अगर कल को चाइना के साथ वॉर होती है तो इन इलाकों की सुरक्षा के लिए भारत को प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी चाहिए होगी। तो भारत सरकार ने इन इलाकों में रोड्स की चौड़ाई को बढ़ाना शुरू किया। पहले टूरिज्म के लिए चार धाम प्रोजेक्ट के चलते जो रोड बनाई जा रही थी उसकी चौड़ाई सिर्फ 5.5 मीटर थी, पर जैसे ही इसमें डिफेंस एंगल सामने आया तो रोड की चौड़ाई को 12 मीटर तक बढ़ाने का डिसीजन लिया गया। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 से 40,000 पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ों को काटा जाएगा, रोड बनाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट किए जाएंगे जिससे बहुत सा मलबा बनेगा और ओवरऑल इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसके बाद उत्तराखंड के कुछ इलाकों में फ्लड्स और लैंडस्लाइड ज्यादा होने लगेंगे। इसी चीज को देखने के बाद 2018 में एक एनजीओ सिटीजंस फॉर ग्रीन डून ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की और उसने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पेटिशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को एक्सेप्ट किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन के लिए 21 लोगों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई और कमेटी ने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना शुरू किया। 2 साल रिसर्च करने के बाद 21 लोगों की हाई पावर्ड कमेटी के 14 लोगों ने भारत सरकार के पक्ष में वोट दिया और कहा कि डिफेंस के लिए भारत सरकार रोड चौड़ी कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात नहीं मानी और जो 7 लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वोट दिया था उनका सपोर्ट किया और सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर की होगी। पर फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहा कि वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री और हमें LAC के करीब ऑल वेदर रोड चाहिए। अगर हम 5.5 मीटर की रोड बनाएंगे तो उस रोड से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की साइज 42 फीट है, अगर रोड की चौड़ाई ही नहीं बढ़ेगी तो मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये तक कह दिया कि आर्म्ड फोर्सेस कांट सरेंडर नेशंस डिफेंस टू फियर ऑफ लैंडस्लिप्स, मतलब लैंडस्लाइड के डर से आर्म फोर्सेस सरेंडर नहीं कर सकती हैं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा कि हम एनवायरमेंट को देख के कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत सी जगह पे भारत सरकार लैंडस्लाइड प्रूफ सड़कें बनाएंगी जिससे ओवरऑल एक्सीडेंट काफी हद तक कम हो जाएंगे, और अगर कल को कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आता है तो भी डैमेजेस ज्यादा नहीं होंगे। तो ये सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस पे दोबारा से फैसला लेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एनवायरमेंट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया। चारधाम प्रोजेक्ट के चलते जो रोड्स और हाईवे बनाए जा रहे हैं वो टूरिज्म और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को देख के बनाए जा रहे हैं। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था तब तक सबको लगता था कि चारधाम प्रोजेक्ट सिर्फ टूरिज्म के लिए, पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब इस प्रोजेक्ट का एक मेन मोटिव पूरी दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया भर के देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए न जाने क्या क्या चीजें छुपाते हैं, पर हमें ये सब पब्लिकली डिस्कस करना पड़ रहा है। हमें अपनी मिसाइल की साइज वेट तक पब्लिकली बताना पड़ रहा है। कमाल की बात यह है कि अब हाईवे कितने मीटर्स के बनने चाहिए ये भी अब हमारी देश की कोर्ट डिसाइड कर रही है, जबकि आज भी भारत की कोर्ट में लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के पास 69,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जजेस की कमी है पर ये केस सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है। उत्तराखंड बॉर्डर के दूसरे तरफ चाइना है। चाइना ने तिब्बत को पहले ही कब्जा कर रखा है। उत्तराखंड की सीमा तिब्बत के साथ 345 किलोमीटर की है। चाइना उत्तराखंड बॉर्डर के पास कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रोड्स विलेज ट्रेन सब बना रहा है। उसे एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही उसके यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट है जो उसे ये सब करने से रोक रही है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अपना एग्रेशन उत्तराखंड के बॉर्डर के पास बढ़ाया है, तो अगर कल को उत्तराखंड के बॉर्डर पे वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी होती है और भारत की आर्मी रोड्स के चलते मूवमेंट नहीं कर पाती है तो 1962 वाला हाल दोबारा से हो सकता है। इसके अलावा चाइना भारत के बॉर्डर के करीब बुलेट ट्रेन ला रहा है और हम आज भी बॉर्डर के पास रोड बनाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। भारत के आर्मी जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट चाइना है, तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए जो करना पड़े वो करना होगा क्योंकि चाइना कोई एथिक्स फॉलो नहीं करता है। और वैसे भी चाइना हमला करने से पहले एनवायरमेंट नहीं देखेगा और ना ही उस समय चाइना से लड़ने के लिए एनजीओ वाले सामने आएंगे। युद्ध में जिसको सबसे पहली एडवांटेज मिलती है ज्यादातर युद्ध वही जीतता है। 1962 में चाइना ने हमें इन्हीं कारणों के चलते हरा दिया था और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो भारत के लिए बहुत शर्म वाली बात होगी। देखो ये बात सही है कि रोड की कंस्ट्रक्शन से एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा, पर रोड और हाईवे की कंस्ट्रक्शन को रोकना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर देश की सुरक्षा करनी है तो पहाड़ों को भी काटना होगा और पेड़ों को भी। देश की सुरक्षा के लिए सब जरूरी है क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो एनवायरमेंट का क्या करेंगे। देश बचेगा तभी तो एनवायरमेंट बचेगा, पर कुछ लोग और एनजीओ को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको ना ही देश की नेशनल सिक्योरिटी की कोई चिंता है ना ही उन्हें देश की डेवलपमेंट से कोई लेना देना है। ऐसे लोग और एनजीओ हमेशा से देश के किसी न किसी प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ इशू निकालते ही हैं और हर समय डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। ऐसे लोग और एनजीओ हमारी देश की लोकतंत्र डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि इन एनजीओ को फंडिंग दूसरे देशों से आती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में सभी एनजीओ खराब हैं, कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर चार धाम प्रोजेक्ट में जो हो रहा है मेरे हिसाब से वो गलत है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा क्योंकि अगर कल को चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है और चाइना उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में करता है तब उंगलियां सुप्रीम कोर्ट पे भी उठेंगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, देश की सुरक्षा पहले जरूरी है या एनवायरमेंट? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जिसका कमेंट लॉजिकली अच्छा होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।